मनुष्य कर्म करता है, मैं कहता हूं कि फल की चिंता ना कर। फिर भी मनुष्य कहीं ना कहीं अपने कर्म के बदले कोई ना कोई आशा रखता ही है। कभी सफल होता है तो कभी असफल। मैं इसलिए कहता हूं कि फल की चिंता ना करो, क्योंकि सफलता या असफलता को मन में रखने से कोई लाभ नहीं है। यदि सफलता को मन में रखोगे तो अहंकार जन्म लेगा, यदि असफलता को मन में बैठा दोगे तो एक हीन भावना मन में घर कर देगी जिससे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए केवल कर्म करते जाइए, उसी में मगन रहिए और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सूर्य का ताप कितना प्रखर होता है, सारी वनस्पतियों को सुखा देता है। तालाब हो, सरोवर हो, नदियां हो, सभी सूख जाते हैं। किंतु कभी आपने सुना है सूर्य के ताप से समुद्र सूख गए? ऐसा कभी नहीं होता। और यही छिपी है एक अमूल्य जीवन की सीख। समुद्र की भांति स्वयं को धैर्यशील बना दोगे, स्वयं में वो संयम लाओगे, तो कठिनाइयों के धूप आपको कुछ नहीं कर सकते। आपसे वो भाप निकलकर एक मेघ बन जाएगा जो जाके सूरज को ढक देगा, और फिर होगी केवल सफलता की वर्षा। तो आइए और मेरे साथ धैर्य से कहिए राधे राधे। प्रतीक्षा प्रयास दोनों जीवन के अभिन्न। देखा जाए तो हम सदैव किसी न किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई क्षण हो, चाहे कोई भावना, कुछ भी हो सकता है। और देखा जाए तो सदैव कोई ना कोई प्रयास भी कर रहे होते हैं, जैसे सफलता के आने की प्रतीक्षा, असफलता ना आए इसके लिए प्रयास, सुख आने की प्रतीक्षा, दुख ना आए इसके लिए प्रयास। अब प्रतीक्षा और प्रयास का एक अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, और वो ये कि प्रतीक्षा करने वालों को उतना ही मिलता है जो प्रयास करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो प्रतीक्षा नहीं, प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास में ही सुख की आस है। राधे राधे।